आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें पुलिस बल पीएसी के जवान, ट्रैफिक पुलिस और नागरिक सुरक्षा कोर अपने हाथों में तिरंगा झंडे के साथ शामिल हुए। तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों, गोलघर, कचहरी चौराहा, शास्त्री चौक होते हुए पुलिस लाइन पर आकर यात्रा समाप्त हुई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यह तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आम जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना व सुरक्षा और शांति के प्रति पुलिस बल के प्रति लोगों का विश्वास कायम करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो और सब अपने देश के विकास और प्रगति के लिए देश के संविधान और कानून का पालन करें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनके बनाए हुए सतमार्ग सच्चे रास्ते पर चलें और अपने देश के कानून संविधान का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, और ताकि चौक से इसी दूर से वापस आएंगे। ग्रीन झंडी है सर, तेज चल। आप शुरू हो जाइए, बाहर से क्या कर लीजिए। घर कर्म अपना करेंगे। बैंगी चतर है, बैंगी आप बीच में अपना घूम जाते देंगे। ए वतन तेरे लिए, तू मेरा कलमा, तू मेरा धर्म, तू मेरा अभिमान है।
की मुद्रा में तैयार रहे, पंक्तिबद्ध होकर चलना है। जैसे ही ये जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, तू मेरा कलमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, इसी में आज पुलिस जवानों की तरफ से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से हम अपने जवानों में और नागरिकों में देशभक्ति की और बंधुता की भावना बढ़ाने का, जगाने का कार्य कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए एक ऊर्जा देने के समान है और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि लोगों में देशभक्ति की भावना डेवलप हो, सब लोग अपने देश के विकास और प्रगति के लिए देश के संविधान और कानून का पालन करें। आम नागरिकों से यही अपील है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य तभी सार्थक है, हमारे जिन वीर सेनानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनके बनाए हुए सदमार्ग सच्चे रास्ते पर चलें और अपने देश के कानून और संविधान का पालन करें।